विपिन को उस बार को देखने के बाद में जो अने था वह हैरान था, लेकिन यहाँ पर वह उसके उस पंथ के अंदर छपी हुई पार के साथ में हैरान नहीं था। यहाँ पर वह विपिन की टाइमिंग को देखने के बाद में इतना हैरान हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी, जो अने था ना उसने अपनी पावर को यूज किया था, उसके बाद में वहाँ पर उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल गई थी ना उसके साथ में उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला था वहाँ पर फिर से रिकवर करने के लिए, लेकिन उसी समय का यहाँ पर विपिन ने बहुत अच्छे तरह से मौका उठाया था। और इसके अलावा जो यहाँ पर अने था ना उसने कोई नॉर्मल टेक्निक का यूज नहीं किया था। बात कुछ ऐसी थी कि जो उसने टेक्निक्स थी ना वह यहाँ पर शैन कबीले की जितनी ही बहुत ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स थी। यहाँ पर उन सभी का पता लगाना किसी के लिए भी ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर विपिन तो केवल अभी शंथ स्टेज 5 के शिखर पर पहुंचा था, तो आखिरकार विपिन ऐसा कैसे कर सकता था, यही बात अभी अने को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अभी अने जानता था कि फालतू में ये सभी बातें सोचने का अभी कोई भी समय नहीं था, उसे यहाँ पर जल्दी जल्दी कदम उठाना पड़ेगा वरना यहीं पर ही आज उसकी हड्डियां वड्डियां टूट जाएगी। विपिन, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में मेरे उन सभी चीजों को पकड़ लिया है, वास्तव में तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो छिपी हुई है, वहाँ पर अने कहता है। उसके साथ में ही अब अने भी अपने पंच को आगे बढ़ाने के लिए रेडी था। वह पहले अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और फुल एनर्जी उसके अंदर इकट्ठा कर लेता है। चलो विपिन, फिर देखते हैं कि आज कौन जीतता है। अने का वह पंच अब सीधे विपिन की छाती की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पर अने अभी विपिन के उस अटैक को डोज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, उसका दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वह यहाँ पर अब दोनों की पावर्स को मैच करना चाहता था। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर अब मेरी बॉडी को आजमाना चाहते हो, चलो अने देखते हैं आज कौन यहाँ पर जीतता है। विपिन भी यहाँ पर अब पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, आखिरकार कभी कभी तो उसको इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे मिला करते थे, अरे जो भी उसके सामने आते थे वो तो यहाँ पर धूल चाटते फिरते थे। लेकिन आज विपिन का यहाँ पर मौका था कि वह अपनी पूरी पावर को यहाँ पर यूज कर ले, वो भी इन सभी चीजों के अंदर। दोनों का वह पंच अब एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ से ड्रैगन आ रहा हो और दूसरी तरफ से टाइगर आ रहा हो, दोनों एक दूसरे को खाने के लिए रेडी बैठे थे। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार टन की आवाज सुनाई देती है, बूम, अगले पल वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर विपिन की जो बॉडी थी वह गोल्डन कलर के अंदर चमक रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने वहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर कोई सोना चढ़ दिया हो। वहीं दूसरी तरफ जो अने था उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहीं विपिन का जो हाथ था वह अब पूरी तरह से सुन हो चुका था, वहीं अब अने भी उसकी उस पावर को देखने के बाद में पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। यहाँ पर विपिन का पूरी तरह से चेहरे का रंग उड़ चुका था, तुम्हारे ये भौतिक शरीर को क्या हो गया, विपिन यहाँ पर पूरी तरह चौंक चुका था, क्योंकि विपिन के पास में जो गोल्डन बॉडी थी ना उसके सेम समान यहाँ पर जो अने की बॉडी थी वो भी उतनी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो। हालांकि अने की जो पावर थी ना वह विपिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से जो अने ने वार किया था ना उसकी वजह से विपिन के चेस्ट के अंदर जोरदार दर्द होने लगता है। यहाँ पर उन दोनों का गम घुटने लगा था, वह दोनों अब कई 100 मीटर पीछे की तरफ उछल जाते हैं। विपिन, तुम्हारे साथ में लड़कर मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरे को इस तरह से टक्कर देता हो, वास्तव में विपिन मजा आ गया आज तो, तुमने मेरे को बहुत ज्यादा मजे दिए हैं। इतना कहने के साथ में जो अने था वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को स्टार्ट कर देता है। वह विपिन भी कहता है, अने तुम्हारे साथ में लड़ने में तो मेरे को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, आज तक मुझे यहाँ पर कोई सा भी ऐसा अपोनेंट नहीं मिला जिसके साथ में मैं यहाँ पर अपनी पावर का पूरा यूज कर सकूं। चलो फिर विपिन इस मैच को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अने अपने पसीने को पूछता है और उसके साथ में जो उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून था ना उसको साफ करता है। उसके अगले ही पल जो उसका ओरा था ना वो बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते अब उसकी नसें दिखने लगती है, उसकी बॉडी धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगती है जैसे कि कोई इसके अंदर हवा भर रहा हो। वहां पर उसकी मांसपेशियां फूलने लगती है, उसके कपड़े पूरी तरह से टाइट हो गए थे, ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है। वहीं अने को ऐसा करते हुए देखकर विपिन हैरान था, क्योंकि आज तक उसने ऐसी कोई भी सीक्रेट टेक्निक नहीं देखी थी जिसके साथ में कोई अपने बॉडी को और ज्यादा बड़ा कर सके। विपिन ने यहाँ पर बहुत सी किताबें पढ़ी थी लेकिन ऐसी टेक्निक के बारे में आज तक उसने कभी भी नहीं पढ़ा था। उसके बाद में अब दोनों के वार एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ में 10 वार कर चुके थे, एक के बाद में एक अटैक खुद के ऊपर करे जा रहे थे। यहाँ पर खुद को संभालने का वो मौका तक नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो वह वार कर रहे हैं ना उसके साथ में किसी और की फटकर 4 हो गई थी, जिसकी वजह से जो विपिन लियाओजी और मोहन थे ना वह दोनों के दोनों उस घर से बाहर निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ पर जिस घर के अंदर वह दोनों लड़ रहे थे ना वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, ऐसा लग रहा था किसी पल वह टूट फूट जाएगा। विपिन
बेन मजा आ गया, वास्तव में मजा आ गया मेरे को आज तुम्हारे साथ में लड़कर। अने बस ये बात बार बार रिपीट करते जा रहा था। चलो फिर अब इस मैच को दूसरे लेवल के ऊपर ले जाते हैं, अने ने ऐसा कहा और जल्दी से झटके के साथ में अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। ओह तलवार, चलो फिर मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ निकालो ना। उसके साथ में जो विपिन होता है यहाँ पर जल्दी से अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। वास्तव में उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तक उसको यहाँ पर कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही पल उसकी स्टोरिंग के अंदर से कई सौ तलवारें निकलकर बाहर आ जाती है। विपिन तुम क्या ये क्या करने जा रहे हो? वहाँ पर जैसे अने ने उन सभी तलवारों को अपने सामने देखा ना, तो उसके साथ में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। आखिरकार ही बंदे समझते क्यों नहीं है कि उसके पास में क्या क्या है, फालतू में उसको यहाँ पर उकसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। यही जहाँ पर अने था ना, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। उससे पहले ही 108 तलवारें यहाँ पर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई सुनामी आ रही हो जो अने को बहाकर अपने साथ में ले जाना चाहती हो। अगले ही पल डैंग 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 और वहाँ पर अने के ऊपर एक के बाद एक अटैक होते रहते हैं। वहाँ पर वो जितनी भी तलवारें थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। उनके अंदर पता नहीं एक कौन सी पावर भरी हुई थी। अने को यहाँ पर हर एक तलवार के साथ में पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर उन तलवार के पीछे तीन तलवारें एक साथ आती है और बूम, अने के चेस्ट के ऊपर जोरदार वार होता है जिसके इम्पैक्ट इस हाथ में जो अने था वहां से 800 मीटर दूर तक उड़ा दिया जाता है। वहां पर अने की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। अने अपने आप को संभालता है। वहां पर जो अने था दीवार के अंदर से अपने आप को निकाल रहा था। यहां पर अने पहले थोड़ी देर के लिए सांस लेता है। गहरी गहरी सांस लेने के बाद में उसकी निगाहें विपिन के ऊपर पड़ती है, जहां पर वो देखता है विपिन अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने अभी अभी अने का क्या हाल किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहन, ये क्या हो रहा है? आखिरकार अंदर कौन सा तूफान चल रहा है? यहाँ पर विपिन लियाओ की आवाज वहाँ पर मोहन से बात कर रही होती है। मुझे भी नहीं पता, आखिरकार वह छोटे मालिक है, वह कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमें वहाँ पर घर से बाहर रहना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग अंदर रहे ना, तो हम लोग भी वहीं पर ही दफन हो जाएंगे। तुमने सही कहा। वहाँ पर विपिन लियाओ की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि जब वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी में था ना, तब से ही वहाँ पर वह विपिन का कंपटीटर बनना चाहता था। उसके चलते हुए यहाँ पर वह समझ चुका था कि उसको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वह अपनी मेहनत को 2-3 गुना से भी ज्यादा अधिक बढ़ा चुका था। लेकिन फिर भी अब इस पावर को देखने के बाद में उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर विपिन के साथ में वह लड़ने के लिए चला गया ना, तो उसके बाद में केवल एक पंच के अंदर ही उसको बेला कर पेस्ट बना दिया जाएगा। जहाँ पर वह दोनों बात कर रहे थे ना, वहीं अने अपने आप को खड़ा कर लेता है, पिल निकालता है और एनर्जी को वापस से रिकवर करना शुरू कर देता है। विपिन ये क्या है? आखिरकार तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया है? वहाँ पर अने बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। विपिन ने कहा, अच्छा ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये ओल्ड सोल्ड मेस्टर की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लिंगसु तलवार। विपिन ने वैसे जैसे कहा ना, अने के होश उड़ जाते हैं। क्या ओल्ड सोल्ड मेस्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। वहाँ पर अने ने बहुत सी सोल्ड टेक्निक के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर बहुत सी अलग अलग भयावह टेक्निक्स पड़ी हुई थी, और उसने उसके बारे में पढ़ा था कि ओल्ड सोल्ड मेस्टर की वह टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि फिर भी अने वहाँ पर उस पावर को जानता था कि वह कितनी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ओल्ड सोल्ड मेस्टर की केवल उस टेक्निक को वही सीख सकता था जो यहाँ पर तलवार सार को पूरी तरह से सीख चुका था। यहाँ पर फिर भी उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ओल्ड सोल्ड मेस्टर की उस पावर के अंदर इतना खतरनाक भयावह शक्ति भरी हुई थी। ओ हाँ, तुमने सही कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ओल्ड सोल्ड मेस्टर की तलवार थी ना, उसके अंदर कुछ गलतियां थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि उसको चेंज कर देता हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पर चेंज कर दिया, विपिन ने कहा। लेकिन वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में अने की पूरी जमीन हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती फट जाए, उसके अंदर समा जाए, क्योंकि अब वह अपने कानों के अंदर वह सभी बोले नहीं सुन सकता था। क्या क्या कहा तुमने? यहाँ पर तलवार को चेंज कर दिया? यहाँ पर अने को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा यहाँ पर इस तलवार को चेंज कर सकता है वह कितना महान हो सकता है। वह यहाँ पर जानता था कि और उसके टीचर ही थे जो शायद यहाँ पर इसको चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर विपिन की एज को देखने के बाद में और जो उसकी साधना लेवल थी, उसके बाद में कोई भी ये नहीं बता सकता था कि विपिन ऐसे कुछ कर सकता था। वास्तव में विपिन, ये तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुमने आखिरकार पूरी पावर का यूज किया था क्या? वहाँ पर अने ने पूछा। अने की बात सुनने के बाद विपिन अब पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। वो क्या कहे क्या नहीं कहे उसको समझ में नहीं आ रहा था। सर खुशलाते हुए वो कहता है, अने अरे कुछ नहीं, मैंने क्या बोलते, इसके अंदर केवल एक तिहाई पावर का यूज किया था, बस एक कुछ परसेंट पावर इसके अंदर मैंने नहीं लगाई थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में फिर से अने की दुनिया हिल जाती है। एक तिहाई पावर का यूज किया था? तो तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम्हारी ये एक तिहाई पावर थी? यहाँ पर अने ने जैसे विपिन को देखा, तो उसके साथ में उसका तो मन हो रहा था कि वो विपिन को मारे, क्योंकि बंदा सामने से ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर एक तिहाई पावर का वह यूज कर रहा था। लेकिन अचानक से उसको कुछ समझ में आता है। वह यहाँ पर विपिन की उस चोरी को पकड़
तथापि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। विपिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक तिहाई पावर थी या उससे भी कम थी? चुपचाप मेरे को बता दो वरना फिर से मैं भी धुलाई स्टार्ट करता हूँ। अनय ने अपनी चटियां चटकाई और उससे कहा, तुम्हें पता चल गया? वही जैसे ही अनय ने वह शब्द कहे, विपिन हिचकिच जाता है और उससे कहता है, हाँ अगर तुमने यहाँ पर मेरी चोरी पकड़ी ली है ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने केवल इसके अंदर 6% पावर ही यूज की थी। 6%? विपिन ने जैसे वहाँ पर वह शब्द कहे तो अब तो अंधेरा छा चुका था। अनय अब पूरी तरह से बेहोश होने वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए था। आखिरकार वो इस बंदे के सामने ऐसा कुछ तो ना कर सकता था। विपिन, तुम जानते हो ना, तुम संत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर हो और मैं एक 7-स्टार मास्टर टीचर हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम क्या वास्तव में इस तरह की पावर का यूज कर सकते हो? अने यहाँ पर संत स्टेज 7 के ऊपर पहुंच चुका था और उसको अभी तक भी इस पावर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस तलवार को रोकने के लिए वहां पर अने ने अपनी सारी टेक्निक्स को लगा लिया था। जो पास में सीक्रेट टेक्निक्स पड़ी हुई थी उन सभी को वहां पर उसने लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसको वहां पर उड़ा दिया गया था। साथ में दीवार भी तोड़ दी गई थी। वेबेन, बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर मेरे साथ में पूरी पावर लगाकर लड़ोगे। क्या पूरी पावर? वही पता नहीं अने को क्या सूझा कि उसने डायरेक्ट विपिन को कह दिया। विपिन भी अब पूरी तरह से हैरान रह चुका था, उसको डर लग रहा था वहां अने से नहीं उसे खुद से, क्योंकि यहाँ पर अगर उसने इस तलवार टेक्निक की पूरी एनर्जी को यहाँ पर लगा दिया ना, तो उसके बाद में उसको पता नहीं था कि इस संत अकेडमी का क्या हाल हो सकता था। क्या पता इसका आधे ज्यादा हिस्सा यहाँ पर एक खंडर के अंदर तकदील हो जाए। विपिन उससे कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, पागल हो क्या? तो मेरे को मरवाओगे क्या? वैसे भी यहाँ पर विपिन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर दी थी। यहाँ पर उसको आए केवल 1.5 दिन ही हुआ था कि 1.5 दिन के अंदर उसने एक तो भविष्य बनाने वाला का होल और यहाँ पर स्पिरिट अवेकनर गिल्ड दोनों की धज्जियां उड़ा डाली थी। अगर यहाँ पर वो ऐसे तोड़फोड़ करता रहा ना, तो जैसा होंगर मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर हुआ था ना, वैसे इसके साथ में यहाँ पर होगा। इसको यहाँ से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में अन्य ने कहा, तुम क्या मेरे को यहाँ पर छोटा बच्चा समझते हो? मैंने माना कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर सकते हो, लेकिन विपिन तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम चिंता मत करो, मैं भी शांत स्टेज 7 के ऊपर हूँ और मैं अपनी पूरी पावर लगाकर यहाँ पर इसको रोक लूंगा। तुम बस अपनी पूरी पावर का यूज करो। लेकिन वही फिर से अन्य की उस तरह की चीज को देखने के बाद में विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन था ना उसकी हालत पूरी तरह से कस्ता थी। अगर यहाँ पर वो एक बार उस पूरी एनर्जी को यूज कर देता है ना, तो उसके साथ में ये होगा कि जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती ना, तब तक वो लिंग सूची 3 तलवारें रुकेगी नहीं और विपिन ऐसा कर नहीं सकता था। बात कुछ ऐसी थी, अगर वो पहले ऐसा कुछ करता ना, तो उसकी एनर्जी कुछ 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती, लेकिन इस बार उसने अपने अंदर जो लूप होल बना लिया था ना, उसकी वजह से उसके अंदर की पूरी जगह 5 गुना से ज्यादा अधिक बढ़ गई थी। इसका मतलब था कि यहाँ पर उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से थी। अगर यहाँ पर अब इसको छोड़ दिया गया ना, तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कयामत आने वाली थी। वही उसकी बात सुनने के बाद में अन्य ने कहा, मैंने कहा ना तुम यूज करो। अच्छा ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते। आसपास देखो, जितने भी ज्यादा घर है ना, वह सभी टूट फूट जाएंगे, विपिन ने कहा। अच्छा ये, वही उसकी बात सुनने के बाद में अन्य भी अपना सिलेंडर भी नहीं ले सका, क्योंकि यहाँ पर अगर विपिन अपनी उस पावर का यूज कर लेता है जिस पावर के बारे में वो बात कर रहा था, तो शायद यहाँ पर कुछ दुर्घटना घट सकती थी। और यहाँ पर कुछ नॉर्मल लड़ाकू भी थे जिनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह यहाँ पर उस शॉकवेव को महसूस कर सके। उसके साथ में अन्य सोचने लगता है, वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर होल ऑफ प्योरिटी चलते हैं। होल ऑफ प्योरिटी? क्या बैटल ग्राउंड? हाँ वहीं पर चलते हैं। चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। विपिन यहाँ पर अभी 5 होल के अंदर जा चुका था, जिनमें से अब इसका ये सोल ऑफ प्योरिटी बचा हुआ था, जिसको बैटल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लड़ा करते हैं और अपनी अपनी पावर्स का यूज किया करते हैं। इस पूरे हॉल के चारों तरफ फॉर्मेशन लगी हुई है, अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं, जिसके साथ में कोई भी अपनी पावर का पता लगा सकता है कि वह किस दर के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके साथ में विपिन की आंखें भी थोड़ी बहुत चमक चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि अब विपिन अगर वहां पर अपनी पावर को जांच सकता था, वह यह पता लगा सकता था कि उसके अंदर किस तरह की पावर भरी हुई थी, तो उसके बाद में यह होता कि शायद यहां पर वह हर बार वहां पर जाता अपनी पावर को देखने के लिए। और जैसा कि वहां की अफवाहें हैं, उसके हिसाब से यहां पर विपिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला था। अने और विपिन अब दोनों निकल पड़े थे उस बैटल ग्राउंड की तरफ, जहां पर चंपक और अन्य लोग यहां पर अभी भी वहां पर प्रशिक्षण कर रहे थे, वैसे अभी एक दूसरे से फ्रेंडली बैटल लड़कर अपनी पावर को आजमा रहे थे। तो गाइस अब क्या होने वाला है, आखिरकार बैटल ग्राउंड का यहां पर क्या होने वाला है? क्या बैटल ग्राउंड की भी हालत वही होने वाली है जो अन्य सभी हॉल्स की हुई थी, जहां जहां विपिन गया था? जैसे कि फॉर्मेशन मास्टर हॉल हो गया, उसके अलावा अवेकनर हॉल हो गया, उसके अलावा यहां पर उसको तो भूल ही गए अपना भविष्य बनाने वाले
अरे उनके साथ में तो बहुत बुरा हुआ था, बेचारों को कंगाल कर यहाँ पर विपिन आ चुका था। और अब देखते हैं कि आखिरकार अब बेटर ग्राउंड का क्या हाल होने वाला था। क्या यहाँ पर ओल्ड सोर्ड मेस्टर की वह तलवार किसी काबू में आएगी? क्या वह यहाँ पर उस समुद्र की लहरों को वहाँ पर काबू में कर पाएगा जो ओल्ड सोर्ड मेस्टर की उस तलवार से निकलती थी? इसका पता तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। और अगर आप लोगों को एपिसोड सुनना है तो उसके लिए स्टोरी हैप्टिक्स को सब्सक्राइब करना होगा और नीचे लाइक कमेंट भी ठोक दो, ठीक है? लाइक कमेंट गाइस 100 या 200 पहुंचा दिया करो यार, बहुत ज्यादा मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के, ठीक है? और जो बातें आपको करनी हो वो कर सकते हैं। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।